ओम शांति। 8 फरवरी 2024 की मुरली संते हैं। आज के महावाक्य हैं, प्रभु शरण कैसे आए, माया जीत बनने की विधि क्या है, सदा खुश रहने के लिए स्मृतियां, ईश्वरीय सेवा की विधि और उनसे प्राप्तियां, साथ ही ब्रह्मा बाबा का सुंदर अनुभव और साइलेंस बल की कमाल और संगम युग की हर घड़ी को सफल करने की विधि विधि पूर्वक सुनते हैं। आत्मस्थिति में स्थित होकर ईश्वरीय वाणी सुनते हैं, फील करते हैं ईश्वर पिता के अवतरण को। निराकार शिव ज्योति अवतरित हुए हैं आबू की पहाड़ी पर, ब्रह्मा के ललाट पर। वहां से शिव वाणी उच्चारण हुई, ब्रह्मा के श्रीमुख से मुझ आत्मा तक सद्ज्ञान पहुंचा, जागृत होने लगी और अब आत्मस्थिति में स्थित हूँ और उनकी दिव्यवाणी को सुनती हूँ। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा याद रखो, हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, हम डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान, ऊंचे कर्तव्य करने वाले ब्राह्मण चोटी है और सब पुरुषों से उत्तम आत्माएं बन रही हैं। ये स्मृति रहे तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। तो आज इस प्रकार की बातें करनी है अपने से कि हम चोटी वाले ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि के पुरुषोत्तम बन रहे हैं, हम ब्रह्मा की संतान हैं। ये सिमरण करते अपार खुशी का अनुभव करना। फिर आज हम समझ लेते हैं बाप किसको शरण देते हैं। बाबा ने समझाया है, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्ट हो, मोहा हो, सब तरफ से लगाव छूट गया हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। तो चेक कर लेना है अपने बुद्धि के लगाव को, ये अटैचमेंट हटी हुई है या अभी बाकी है। हमें बाबा की मदद लेनी है, बाबा को बुद्धि में रखना है। एक बाबा, दूसरा ना कोई, तो पूरी मदद मिलती रहेगी। फिर बाबा आज अपनी पहचान स्पष्ट कर रहे हैं। इस समय सभी आत्माएं पतित दुखी हैं तो कहती हैं, ओ गॉड फादर, परमात्मा को याद करती हैं तो जरूर उनसे सुख मिलता होगा, उनके नाम भी बहुत रखते हैं। परंतु तुम जानते हो, वास्तव में उनका नाम एक ही शिव है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, इसलिए उनका पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। अपना शरीर नहीं है, पराई दुनिया पराए शरीर में आते हैं जो पतित हो चुकी है और उन्होंने आकर पावन बनाना है। इसलिए बाप कहते हैं, हम अपना स्वीट होम छोड़कर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ। ये वही गीता का योग है
जो निराकार भगवान सिखलाते हैं, तुमको भी फील होता है कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर मुरली चलाकर चले जाते हैं। फील स्पष्ट होता है, वे फ्री है, कभी कहाँ चले जाएंगे। वही हमारे रूहानी बाप, टीचर, गुरु है। बाप हमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। इसको सुनकर हम भी त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। अभी हम क्या बने हैं? त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जान गए। उस आधार पर स्व का दर्शन चक्र चलता रहता है। वही प्यारे शिव बाबा नॉलेजफुल हैं, सदैव प्योर ही प्योर हैं, सर्व के सदगति दाता हैं। उनको बबुल नाथ भी कहते हैं। बबुल होता है कांटा, तो वो आते हैं, हमें कांटों से फूल बना देते हैं। तो बाबा, हमें इन माया रूपी कांटों को आज जीतने की विधि बता रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है। ये काम विकार बहुत आत्मा को दुख देता है, तो तुम आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे हो जाएंगे। माया कम नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसाए गिरा देगी। फिजिकल अट्रैक्शन आएगा और लगेगा ये कोई विकार थोड़ी है। फंस जाएंगे, फिर विकार में गिर जाएंगे, तो बाप को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम अपने आप से बातें करो कि इन आँखों से जो कुछ देख रहे हैं उन सब का विनाश होना। हमें पुरानी दुनिया से दिल हटाए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। तुम भले ऑफिस में काम करो, बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, इन आँखों से जो दुनिया देख रहे हैं खत्म होने वाली है, और एक प्यार का सागर आया है उससे सच्ची प्रीत रखनी है। तो सारा मदार याद पर है, जिससे ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाती है। तो हमें कड़ा फुरना रखना, यानी अच्छी सी चिंता अटेंशन लगाए रखना है। जितनी फुर्सत मिले उतना रूहानी कमाई करते रहना, और बार बार सोच चलनी चाहिए कि हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं है, फुर्सत जितनी मिले कमाई करो, ये बहुत बड़ी कमाई है। हेल्थ वेल्थ दोनों साथ मिलती हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बहुत तीखे जा सकते हैं। ये हमें अभ्यास करते करते माया जीत बन जाना है। फिर ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बाबा की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा इकट्ठी हैं एक ही तन में, तो ये वंडरफुल युगल हो गए, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो अंदर खुशी रहती है कि मैं युगल भी हूँ, उनका एक ही नंबर वन सिकिलधा बच्चा हूँ। ये ब्रह्मा बाबा सोच सोच खुश होते रहते हैं, फिर सोचते हैं, मेरे भी ढेर बच्चे हैं, जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, गद्दी पर भी जरूर बैठूंगा, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं, माया के तूफान याद नहीं करने देते। फिर सोचता हूँ, बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे, तो जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सकूं। तो जैसा कर्म मैं करूंगा
मुझे देख और करेंगे। ये ब्रह्मा बाबा ने अपनी अनुभूतियां हमारे साथ शेयर की हैं। इस साइलेंस बल की कमाल समझा रहे हैं कि दुनिया में मनुष्य चांद पर जाने की कोशिश करते हैं, जिसको साइंस का बल कहते हैं। अब बाप ने समझाया है, दुनिया तो एक ही है, तुम साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पा रहे हो, जिससे साइंस भी सुखदाई बन जाए। इस समय तो साइंस सुख भी देती है, दुख भी देती है, परंतु भविष्य में तो सुख ही सुख है, दुख का कोई नाम निशान नहीं। इसलिए ये साइलेंस बल साइंस को सदा के लिए सुखदाई बना दे, यही जीत है। फिर बाबा ईश्वरीय सेवा की विधियां समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। सर्विस की बहुत मार्जिन है, तुम्हें कमाई करनी और करानी है। ये रूहानी ज्ञान धारण करना कराना, ये कमाई करना कराना होता है। तो इसके लिए तुम जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी की सेवा सबको सीखनी है। और फिर ट्रेन में जाते हैं तो एक डिब्बे में सर्विस कर दूसरे में जाना चाहिए। ट्रेन में बैज पर समझाओ, बोलो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनाओ। फिर मंदिरों में जाकर समझाओ, गंगा स्नान पर भी समझाओ, तो सर्विस अच्छी होगी, भक्त लोग झट समझ जाएंगे क्योंकि उनकी भक्ति करते हैं। इस प्रकार से दिस वे दैट वे हमें अन्य आत्माओं का कल्याण करने की युक्तियां रचती रहनी हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं, ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते हैं, यानी बाबा उनको बहुत प्यार करता है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस, बाप कहते हैं रिफ्रेश होकर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। तुम जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे, परंतु इसमें फिर खुश नहीं हो जाना चाहिए कि हम बहुतों को समझाता हूँ, सिर्फ इतना काफी नहीं है, पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ। अब हम लेते हैं बाबा से आज का वरदान। चलें वरदाता को याद कर लें, उनका अति तेजोमय स्वरूप देखें, परम सौंदर्य को लिया हुआ सर्वशक्तिमान भगवान मेरे सन्मुख है, वो वरदाता है, दिव्य बुद्धि के दाता है, भाग्य विधाता है, अपनी शक्तियां देकर मेरा भाग्य जगा रहे हैं। उनका शक्तियों भरा वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, करंट अंदर समा रहा है, वरदान मिल रहा है। बच्चे संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पार्टधारी भव, हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पार्टधारी हूं, तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड हर समय हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ,
संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है, इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो, क्योंकि हम हीरो पाठधारी हैं। ये स्मृति रख, हर सेकंड समय संकल्प को श्रेष्ठ करते जाएं। 5 मिनट भी साधारण नहीं बिताने हैं, क्योंकि सदा काल का राज्य भाग्य लेना है। स्लोगन, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। तो दृढ़ता से असंभव को संभव करना है। आज का होमवर्क लेते हैं, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सेवा जरूर करनी है, साथ ही फिर याद का भी अटेंशन रखना है। याद में रहकर सेवा करें और ईश्वर की शरण में आने के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर नष्ट मोह बने। आज विशेष बाबा ने याद दिलाया है कि रात सोने से पहले याद करके सोना है, तो कम से कम 20-25 मिनट रात को एकाग्रता में बाबा को याद करके चाट सुना के वतन में बाबा की गोदी में सोएंगे। और मायाजीत बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान का चिंतन करते रहना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, साइलेंस का बल जमा करना है। और हीरो पाटधारी की स्मृति में रहते संगम युग की हर घड़ी को सफल करते जाना है। एक बाबा के प्यार में उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हुए उनकी प्यार भरी सुखदाई शक्तिशाली किरणों को अंदर समाते रहें। ओम शांति। Thank you.